हेलो फ्रेंड्स फ्रेंड्स वाईके इलेक्ट्रिकल की एक और नई वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारे घर पे सिंपल इन्वर्टर होता है उसको हम सोलर इन्वर्टर कैसे बनाएं, यानी कि हमारे जो सिंपल इन्वर्टर होता है उसके ऊपर सोलर प्लेट कैसे लगाएं। उसके अंदर हमें इन्वर्टर सिंपल इन्वर्टर के अंदर हमें बदल फेर करने की कोई जरूरत नहीं है, उसके ऊपर एक कंट्रोलर लगाना है। सबसे पहले मैं आपको एक वीडियो क्लिप दिखाऊंगा जिसके ऊपर मैंने लगा रखा है वो कंट्रोलर, जिसका नाम है MPPT, ठीक है। और उसके बाद मैं आपको डायग्राम के दौरान आपको समझाऊंगा कि किस तरह से उसकी वायरिंग करनी है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ ये MPPT कैसे काम करता है। ये जो हमारी बैटरी होती है, बैटरी की जितनी भी वोल्टेज होती है, अगर मान लो 12 वोल्ट है तो 12 वोल्ट पे काम करेगा वो, अगर 24 वोल्ट है तो 24 वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा कि कितने वोल्टेज है उसको, ठीक है। वो सोलर पैनल के बाद जो वायर आएगी उसके उसके ऊपर कनेक्ट होगा उससे, और जो MPPT हमारा कंट्रोलर होगा उससे हमारी आउटपुट निकल के वो बैटरी में कनेक्ट हो जाएगी। तो फ्रेंड्स अगर आपको इसके बारे में कोई भी मतलब कि MPPT के बारे में कोई भी जानकारी लेनी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, उस पे से आप जाके आप इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। अगर आपको इसको ऑनलाइन परचेज करना है यानी कि ऑनलाइन खरीदना है तो उसके भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगे, आपको आप वहां से ऑनलाइन इसको आसानी से परचेज कर सकते हैं यानी कि खरीद सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी एक बार वीडियो क्लिप देख लेते हैं, उसके बाद मैं आपको डायग्राम समझाता हूँ किस तरह से इसकी वायरिंग करते हैं। तो फ्रेंड्स अभी आप ये देख सकते हैं हमारे पास एक इन्वर्टर है, सिंपल इन्वर्टर है जो कि माइक्रोटेक कंपनी का है। आप ये देख सकते हैं एक बिल्कुल सिंपल इन्वर्टर है, यहाँ पे कोई भी सोलर का इंडिकेशन वगैरह कुछ नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे बैटरीज हैं, ये दो बैटरी है 12-12 वोल्ट की जिनको सीरीज में कनेक्ट करके हमने 24 वोल्ट सप्लाई बना रखी है, ठीक DC। अभी मैं आपको DC इन्वर्टर के पीछे से दिखा देता हूँ इसकी जो पहले से वायरिंग है, ठीक है। ये दो केबल है जो पॉजिटिव और नेगेटिव है, ब्लैक और रेड, 24 वोल्ट DC जो कि बैटरी से आई हुई है, ठीक है। और मैं भी आपको दिखा देता हूँ, और एक ये वाइट कलर की जो सॉकेट है ये आउटपुट है जहाँ से इस इन्वर्टर से सप्लाई चली जाती है, और ये ब्लैक केबल है जो ये मेन सप्लाई है जहाँ से हम 220 वोल्टेज इनको उसको चार्जिंग के लिए लेते हैं वो वाली है। और फ्रेंड्स आप ये देख सकते हैं ये कंट्रोलर है जो कि मैंने आपको बताया था, ये MPPT कंट्रोलर है। इसके साइड के टर्मिनल्स के कनेक्शन वगैरह मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ये बैटरी के टर्मिनल है पॉजिटिव और नेगेटिव, और ये सोलर के टर्मिनल हैं पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। और ये DC लोड, यहाँ पे आप DC लोड भी लगा सकते हैं, जैसे 12 वोल्ट या 24 वोल्ट का कोई फ़ैन वगैरह लगा सकते हैं डायरेक्ट, ठीक है। ये था इसका टर्मिनल साइड, और ये हमारा इसका फ्रंट जो कि ये डिस्प्ले दिखाई दे रही है आपको, यहाँ पे वोल्टेज वगैरह दिखाई देगी। और एक ये पोर्ट है जो USB पोर्ट, यहाँ पे आप USB केबल लगा के मोबाइल वगैरह चार्ज लगा सकते हैं। और ये इसका टेम्परेचर के लिए है, टेम्परेचर सेंस करेगा। अभी हम डायग्राम की साइड चलते हैं। तो फ्रेंड्स जैसा कि अभी आपने वीडियो के अंदर देखा, हमने एक इन्वर्टर पे जो MPPT कंट्रोलर लगा रखा था उसके वायरिंग कर रखी थी, उसको अब हम एक डायग्राम की सहायता, ये डायग्राम है उसकी सहायता से अभी हम आपको समझा देते हैं। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप जानते हैं कि एक सोलर प्लेट होती है, एक इन्वर्टर होता है, ठीक है। हमें सोलर प्लेट को हमने ऊपर अपने हिसाब से इसको लगा देना है, और यहाँ से जो दो वायर आएंगी पॉजिटिव नेगेटिव को हमने इसके अंदर MPPT के अंदर कंट्रोलर के अंदर कनेक्ट कर देनी है। इसका ये साइड व्यू है जहाँ पे टर्मिनेशन होगी, इस जो MPPT है इसका साइड व्यू ये वाला है। यहाँ पे जो सोलर के पॉइंट होंगे ये यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव कनेक्ट हो जाएंगे, और यहाँ पे जो है ये बैटरी के टर्मिनल कनेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमने जो सोलर से आउटपुट केबल आई है वो हमने कनेक्ट कर दी है, ठीक है। इसके बाद जो इसके पॉजिटिव नेगेटिव यहाँ से आउटपुट बैटरी के लिए निकलेंगे, वही जो दो टर्मिनल है, पॉजिटिव ये है, नेगेटिव इधर वाला, ठीक है। जो हमारा पॉजिटिव है ये हमारा एक इन्वर्टर में भी चला जाएगा सीधा डायरेक्ट, और यही वायर हमारी बैटरी के अंदर भी चली जाएगी, ठीक है। और यही नेगेटिव जो है टर्मिनल है वो इन्वर्टर के अंदर भी चला जाएगा और बैटरी के अंदर भी। ये हमारा बैटरी और इन्वर्टर दोनों के अंदर सेम चला जाएगा इसके अंदर से निकल के, ठीक है। इस तरह से इसकी वायरिंग करनी है। और जो ये जो हमने इसके अंदर एक केबल होती है जो इनपुट सप्लाई की, जो मेन सप्लाई लेती है, जो ग्रिड से पावर सबस्टेशन से आती है जो सप्लाई, वो सेम ऐसे ही रहेगी। और इससे हम आउटपुट जो यहाँ पे हमने यूज़ करनी है, जो इन्वर्टर की वायर मतलब कि जो इन्वर्टर की सप्लाई है वो यूज़ करनी है, उसको हम अलग से यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और फ्रेंड्स ये जो हमारा एक DC लोड लिखा हुआ था इसके साइड में, वो मैं बता देता हूँ आपको। एक DC फैन मतलब कि जैसे कि हमने ये DC फैन लगा रखा है यहाँ पे, जैसे कि 12 वोल्ट हो या 24 वोल्ट का हम फैन लगा सकते हैं डायरेक्ट DC फैन मतलब DC वोल्टेज का।
और इसके ऊपर MPPT के ऊपर एक ये पोर्ट भी बना हुआ है, USB पोर्ट। यहाँ पे हम USB की केबल लगा के हम मोबाइल वगैरह चार्ज कर सकते हैं। और इसका ये हैंडल मैंने आपको वीडियो में भी दिखाया था, ये जो कि टेम्परेचर सेंस करता है इसके कंट्रोल, मतलब कंट्रोलर के लिए। तो फ्रेंड्स ये था इसका एक वायरिंग डायग्राम, आपने अच्छे से तरह से देख लिया होगा। फ्रेंड्स अगर आपको ये मान लो कि ऑनलाइन परचेज करना है तो आपको उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से फ्लिपकार्ट या अमेजोन से इसको परचेज कर सकते हैं, खरीद सकते हैं। तो फ्रेंड्स अभी आपने इस वीडियो में देखा कि किस तरह से हम सिंपल इन्वर्टर को सोलर इन्वर्टर में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, एक सिंपल सा कंट्रोलर लगा के जिसका नाम है MPPT, ठीक है। तो इस तरह से आप अपना इन्वर्टर सिंपल इन्वर्टर पे भी सोलर इन्वर्टर लगा सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स अगर आपको इस वीडियो के प्रति कोई सवाल या कोई सुझाव है तो आप कमेंट करके हमें जरूर बताना, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर भी करना ताकि अपने दोस्तों की भी हेल्प हो सके। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही, देखते रहिए सीखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल YK इलेक्ट्रिकल। जय हिंद, वंदे मातरम।